आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर सोनभद्र से, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खगपाट वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बता दें कि खगपाट वार्ड स्थित तालाब आने वाले 18 तारीख को जुतिया पर्व के चलते साफ सफाई कर पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान संदेश को ग्रामवासियों को बताया गया। वहीं इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष, कई मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के 72वां जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मना रहे थे। प्रयागराज में भी जहां जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, कहीं रक्तदान तो कहीं केक काटकर प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि वृंदावन गार्डन में कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नैनी क्षेत्र के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया, एक दूसरे को केक काटकर खिलाया, जन्मदिन सेलिब्रेट किया, साथ ही पॉलिथीन बहिष्कार का संकल्प लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि यहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के उत्थान और विकास के लिए चिंतित रहते हैं, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी समाज को समय पर जागरूक करते रहते हैं। इसलिए आज हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पॉलिथीन बहिष्कार का संकल्प लिया है। आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को लेकर के उत्साहित है, आनंदित है। इसी निमित्त आज यहां पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी सोच है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम बहिष्कार करेंगे, उसका सभी नागरिकों ने संकल्प लिया है। खबर सीतापुर से, जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 72वां वर्षगांठ के शुभारंभ अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो वहीं इसी अवसर पर तहसील महमूदाबाद के विधायक आशा मौर्य ने महमूदाबाद की नगर पालिका में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद व भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी जी का जन्मदिन भाजपा महिला मोर्चा ने आंगनवाड़ी केंद्र गदियान पर केक काटकर मनाया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गर्भवती महिलाओं को फल वितरण किए गए और छोटे बच्चों और राहगीरों को भी फल वितरण किए गए। इस दौरान गदियाना के सभापति ने कहा कि हम सब आज मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। इस मौके पर सदल मंडल और महिला मोर्चा सभापति आदि भी मौजूद रहे। हमारे सदर मंडल की तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से, महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता गुप्ता की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र सुनीता सिंह क्या यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का केक काटकर हम लोगों ने जन्मदिन मनाया और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और लोगों को फल वितरण भी किया है क्या? हाँ, हम लोगों ने फल वितरण भी किया है लोगों को और केक भी बांटा है। सुल्तानपुर में सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार और सृजनकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रेलवे वर्कशॉप और रोडवेज समेत कई जगहों पर पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों और औजारों, टूल किटों की पुरोहितियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के बाद हवन कुंड में पूर्णाहुति दी गई। विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर कई स्थानों पर भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, साथ ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। संपूर्ण विश्व के रचयिता, इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसके रचयिता, आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हम लोग श्रद्धा से के साथ मनाते हैं। और ये प्रत्येक जो कारीगर लोग हैं,
वो इनको बहुत ही श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ इनकी पूजा करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज इस पावर हाउस में जो है हम लोग भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करने के लिए सारी तैयारी किए हुए हैं। विश्वकर्मा पूजा जो मनाया जाता है, भगवान ब्रह्मा के जो सातवें पुत्र के रूप में इन्होंने विश्वकर्मा भगवान ने जन्म लिया था। इनको हस्तकला के लिए और विशेष तौर पर इनकी पहचान थी और इन्हीं के द्वारा बनाए गए हस्तकला और विभिन्न कलाओं को लेकर के आज पूरे भारत में जो भी डिपार्टमेंट या इससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं वो विश्वकर्मा भगवान की के पूजा को मनाते हैं। और हम भगवान विश्वकर्मा से ये कामना करते हैं कि हमारी भारतीय रेल सकुशल ऐसे ही जैसे चल रही है अच्छी तरीके से इनके आशीर्वाद से चले, हमारे कर्मचारी फले फूले और उनके परिवार फले फूले, यही मेरा विश्वकर्मा भगवान से अनुरोध है। खबर सीतापुर से, जहां आने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके चलते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नैमिषारण्य में मंदिर परिसर और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। शाहजहांपुर के तहसील सदर में सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, उन्हें अधिकारियों को प्राप्त हुई शिकायतों को निस्तारण समय के अंदर निस्तारण करने किए जाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस और विद्युत, नगर निगम आदि विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सदर तहसील ने आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 14 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी, सदर पुलिस, क्षेत्राधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शासन की मंशा के अनुसार तहसील दिवस दूसरे चौथे शनिवार को हो रहा है, इसमें शिकायतों में काफ़ी नियंत्रण लगा है। इससे पहले भी हम लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेहनत हुई है। 4-5 महीने में कोरोना काल में काफ़ी शिकायतें पेंडिंग रह गई थी, नाली की शिकायत, चक्रों की शिकायत, वरासत की शिकायत, पुलिस से संबंधित, नगर निगम से संबंधित शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। आप खुद देख सकते हैं कि सुबह से 8-10 लोग ही आए हैं। पहले जब हम लोग शुरू किए थे तो 100-150 लोग तुरंत आ जाते थे, तो काफ़ी नियंत्रित हुआ है और हम लोग उसका गुणवत्ता चेक करके उसका निर्धारण करा। खबर प्रयागराज से, जहां स्टैंड आर्टिस्ट ने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भव्य सैंड आर्ट बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि सैंड आर्टिस्ट ने मोदी पर लिखी किताब ड्रीम सीट डिलीवरी की भी तस्वीर बनाई। वहीं उन पर लिखी पुस्तक पर कहा कि जो समाज वैसी विकास कर चाहते हैं उनके लिए पुस्तक मार्गदर्शन बन सकती है। आज हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो काफ़ी हर जगह उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर हम लोगों ने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से उनका एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है, साथ में हुई जो रिलीज़ मोदी 1020 की जो किताब है, जो उनके बारे में लिखा है, हम लोगों ने अपने कला के माध्यम से वो किताब भी काफ़ी अच्छे से उकेरा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने सुबह से ये काम किया, मनोज अंकित ने और सृष्टि मनु ने काफ़ी मेहनत करके ये सैंड आर्ट बनाया है। बहराइच में जिला पंचायत अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि घर से कुछ ही दूरी पर शव मिला, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। मिस्टर अजय मेरे बड़े भाई थे और वो यहीं बहराइच में, बहराइच पुलिस लाइन से अभी 3 दिन पहले ही अरुण वीर सिंह पूर्व विधायक के यहाँ एज अ गनर गए थे और आज सुबह हमें फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी असद मतलब बिना कुछ रीज़न के बस यही बोला गया कि उनकी डेथ हो गई है। ये 5 बजे सुबह दौड़ने निकल गए, कहीं उसी रोड पे थे, कोई इनके साथ नहीं था, तो पता नहीं क्या बता रहे हैं वहाँ पे कि इनके पेट में दर्द हुआ। अभी तक इनके कोई ऐसी बीमारी थी नहीं, पूरे मतलब इतने साल हो गए, अभी तक कोई हम लोग पता नहीं चला। क्या नाम था? अजय सिंह, कांस्टेबल अजय सिंह। कहाँ पे? 2020 बैच के हैं ये पुलिस लाइन बहराइच में। सिपाही जी दिलवती थी, वहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारा आरक्षी है वो दौड़ रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। वहाँ उन्होंने जो दो लोग थे उनको बताया कि
मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जिला पंचायत अध्यक्ष का कलर भी था, मेरे गाँव से बाहर की बात तो उन्हें अवगत करा दें कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। वो लोग जो है वहाँ उनको बताने गए और जब सभी लोग दौड़ के वहाँ पहुँचे तो जो आरक्षी है वहाँ पर भी अवस्था में था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुँची और उसे जो है यहाँ अस्पताल लाया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आगे जो भी पोस्टमार्टम कराएंगे उसके आधार पर कार्रवाई विभागीय कार्रवाई। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में भी कई स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया गया। इसी क्रम में यमुना पार क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएससी अध्यक्ष के साथ मरीजों को फल और मिठाई बांटकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के सामने केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसी शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने पूरी टीम के साथ और फल का वितरण और बिस्कुट का वितरण हम लोगों ने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका ब्लॉक पर उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम मतलब मंडल अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। शाहजहांपुर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर बीएन बंसल हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा के महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता व व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर भी श्री सचिन बाथम ने बताया कि व्यापार मंडल के 20 पदाधिकारियों ने रक्तदान किया और लगभग 15 पदाधिकारियों ने भविष्य में रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि हमेशा रक्तदान करते रहिए जिससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज व्यापार मंडल में काफ़ी उत्साह है और इस उत्साह के अंतर्गत आज हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप डॉक्टर बैल क्लिनिक पर रखा है और ये सवेरे से स्टार्ट हो गया है और ये शाम तक चलता रहेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की सेवा के लिए हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। लगभग 100 लोगों के आसपास यहाँ पे आने की संभावना है और सवेरे अभी शुरुआत हो गई है। माननीय श्री अरुण कुमार गुप्ता जी ने इसका शुभारंभ करा है, महानगर अध्यक्ष भाजपा ने, और इसमें शुरू से लेकर शाम तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। सुल्तानपुर के रोहतास जिले में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी पिछले कई दिनों से पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना गोसाईगंज में अपने प्रेमिका के माँ बाप को हत्या करने का आरोप में एक अपराधी कारागार में निरुद्ध था। 1 सितंबर 2022 को न्यायालय में उपस्थित पेशी के दौरान इसने जो है चकमा दे के वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद इसमें टीम लगी, मुख्यतः एडिशनल एसपी सुल्तानपुर विपुल श्रीवास्तव जी, उनके साथ एसईओ सिटी राघवन चतुर्वेदी, एसएचओ राम आशीष उपाध्याय जी, इन लोगों की टीम लगी, सर्वेलेंस की टीम अलग से लगी। इनके सार्थक प्रयास से आज ये अपराधी पुनः गिरफ्तार हो गया है। इस अपराधी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था और इस अपराधी को पकड़ने के लिए टीम को उत्साहवर्धन हेतु मेरी तरफ से 10,000 रुपया इनाम भी दिया जा रहा है। अलीगढ़ के कस्बा कोडियागंज में कुछ दिन पहले पत्नी ने पति को बहरीमी से तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं अब पुलिस ने जांच कर हत्या के आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जहां आरोपी पत्नी ने हत्या को कबूल करते हुए बताया कि उसका पति शराब का आदी था, शराब के नशे में रोजाना मारपीट करता था, जिसे तंग आकर पत्नी शमा बेगम ने उसकी हत्या करने की ठान ली और उसकी हत्या कर दी। हैदराबाद में पंजीकृत अभियोग संख्या 344/22 जो दिनांक घटना 14/8/22 को कोड़ियागंज क्षेत्र में हुई एक हत्या से संबंधित है का आज सफल अनावरण किया गया है। इस संबंध में पुलिस के प्रयास से और हम लोगों की गहनता से जो छानबीन की गई तो उससे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की है और पत्नी द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया कि जो है
उसके पति द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनसे बार रोज़ रोज़ मारपीट और गाली गलौज के कारण वो त्रस्त हो गई थी, जिस कारण उसने घर में रखे हुए हंसिए से ही उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। संबंधित आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की रिमांड प्राप्त कर अन्य आवश्यक। बलरामपुर में लगातार विद्युत की समस्या बनी हुई है। शासन और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लगातार समाधान की कोशिश की जा रही है। किसी प्रकार से जनता को विद्युत से परेशानी ना हो, उसको देखते हुए विद्युत समाधान सप्ताह 12 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें जनता का विद्युत से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस विद्युत समाधान सप्ताह में उन सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा जिनके लिए उत्तर प्रदेश शासन और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा विद्युत समाधान सप्ताह माने जाने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं सदर विधायक ने बताया कि अभी हम लोग आज विद्युत समाधान सप्ताह में पहुंचे और हम लोगों के द्वारा जनता की समस्याएं भी सुनी गईं। उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर अधिकारी व्यस्त होने के कारण जनता की समस्याएं नहीं सुन पाते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्युत समाधान सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो 12 सितम्बर से लेकर के 19 सितम्बर तक विद्युत विभाग के विभिन्न पावर स्टेशनों पर, विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों पर एक समाधान सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसमें उपभोक्ता के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो बिल से संबंधित समस्या हो, चाहे मीटर से संबंधित समस्या हो, चाहे विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या हो, उन सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बहुत ही अनोखा पहल किया है। विद्युत समाधान सप्ताह चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा। ये 12 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा और इसमें जितने भी हमारे बलरामपुर ज़िले के और हमारे पास श्रावस्ती भी है, श्रावस्ती ज़िले के जितने भी बिजली घर हैं सब पे ये लगाया जा रहा है शिविर। और इसमें ये है कि उपभोक्ताओं की बिजली से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं त्वरित निदान कराया जाएगा। संभल के कस्बा गुन्नौर में पुलिस प्रशासन द्वारा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी सूचना पाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर रोष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता के इशारों पर प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों को नहीं करने दे रहा है। प्रशासन द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को कमज़ोर करने के लिए पदाधिकारियों को हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं जनता के हितों और बेरोजगारी युवाओं की सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूंगा। अलीगढ़ में हर साल की तरह इस वर्ष भी श्री रामलीला महोत्सव 7 अक्टूबर से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम की बारात 23 सितंबर को निकाली जाएगी। बता दें कि शहर के विभिन्न मार्गों में होती हुई जानकी जनकपुरी श्री रामलीला भवन में पहुंचेगी, जो शोभा यात्रा के कई दिनों तक निकाली जाएगी। 19 सितंबर को गणेश पूजा उद्योगपति द्वारा संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद रामलीला भवन को पूरी तरह से CCTV कैमरा द्वारा कवर किया जाएगा। प्रशासन और नगर निगम का पूर्ण रूप से रामलीला महोत्सव के लिए सहयोग मिल रहा है। सन 2022 में रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 19 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक रामलीला भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 शोभा यात्राएं निकलती है। सबसे पहले शोभा यात्रा निकलती है राम बारात की, जो टीकाराम मंदिर से प्रारंभ होती है। फिर काली का मेला निकलेगा 27 सितंबर को, जो रामलीला मैदान से प्रारंभ होगा। 30 सितंबर को हनुमान सवारी निकलती है, जो महावीरगंज में हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है। 5 अक्टूबर को दशहरा मेला निकलता है, जो रामलीला भवन से स्टार्ट होता है और प्रदर्शनी मैदान में रावण का ध्यान, कुंभकर्ण का ध्यान और मेघनाथ का ध्यान की लीला वहाँ होती है हनुमान भवन में। 6 तारीख को रात क्लब होता है, जो रामलीला ग्राउंड में होगा। 7 तारीख को प्रजावलोकन होता है, जो रामलीला मैदान से प्रारंभ हो गए रामलीला भवन में समाप्त होगा और उसके बाद रामलीला का महोत्सव का समापन होगा। अलीगढ़ के पूर्व मेयर बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मेयर ने कहा कि उनकी नीयत और जहनीयत को हम अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पार्टी की सराहना की और कई गंभीर मुद्दों को भी रखा। बसपा और सपा पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां टैक्स चोरी की बात तो दूर, एक इंच भी कोई चोरी नहीं कर सकता। और वहीं पूर्व विधायक के बयान को लेकर पूर्व महापौर ने पलटवार किया तो
करेगा वह जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पूर्व विधायक अपने बयान से कह चुके हैं, दिमाग सही कर ले, ये आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किसी फुक्के की सरकार नहीं है, किसी सपा की सरकार नहीं है, ना कांग्रेस की सरकार के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। टैक्स चोरी की तो बात दूर की बात है, अगर उन्होंने जरा भी इतनी सी भी चोरी की तो जेल की सलाखों के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। खबर मऊ से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शारदा नागा नारायण हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 45 लोगों ने महारक्तदान किया। इस मौके पर सीएमओ मऊ धीरज अग्रवाल ने रक्तदान करने का संकल्प लेने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें योगदान से अनगिनत कीमती जिंदगी बचाई जा सकती है। वहीं इस मौके पर एडिशनल सीएमओ और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ में जहां एक ओर लंपी वायरस के रोग से पशु जूझते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गौवंश की रहस्यमयी मौत के बाद पशु चिकित्सा विभाग की खाना पूर्ति करके मौके से फरार हो गया है। दरअसल कार्बन नदी के पास दो गौवंशों के मौत की सूचना पशु विभाग को दे दी गई थी। नदी के पास जनता का सैलाब उमड़ पड़ा, हर कोई गौवंश की रहस्यमयी मौत के बारे में जानना चाह रहा था। यही कारण था कि मौके पर पशु चिकित्सा विभाग को बुलाया गया। वहीं पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने आकर खानापूर्ति की, जिसके बाद नदी में पड़े हुए गौवंश का ना तो उसे निकाला गया और ना ही उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसकी मौत की वजह को जानने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी द्वारा गौवंश का रखरखाव को लेकर पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। आलाधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे या फिर यह करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहेंगे जी हम, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे लंपी रोग चल रहा है, त्रवड़ा डिजीज आया हुआ है जी, दी दी। तो इस पे हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए जी, जी। और इस इलाके में पानी में ये जो बॉडियां मिली हैं दो गाय की और उसकी, तो इससे यहाँ पे संक्रमण फैलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे जी। तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पशु मृत हो जाता है तो उसे गांव प्रधान से संपर्क करके और आगे संपर्क करने के बाद में गाय हो या कुछ भी हो उसको तुरंत गड्ढा खुदवा के गड़वाएं। जिस तरीके से आप सबको देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कई दिन पुराना सब हो सकता है गोवंश का? ये कम से कम 4 से 5 दिन पुराना और ज्यादा ही होगा जी जी। ये सब कम से कम 4 दिन हो गए सबको कम से कम लगता है। खबर यूपी के सीतापुर से, जहां भाजपा युवा मोर्चा के ने पीएम मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिस्वा कस्बे के मैरिज लॉन में रक्तदान शिविर और मोदी व्यक्तित्व प्रदर्शनी का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ बिस्वा विधायक ने किया, जिसके बाद विधायक ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर भारी संख्या में युवाएं और महिलाएं ने भाग लेकर रक्तदान किया। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ने कहा कि देश में पीएम मोदी के जन्मदिन को पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है, जिसके तहत पूरे सप्ताह भर विभिन्न सेवा के कार्य किए जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी में 2 दिन पहले एक रिक्शा चालक को अगवा कर उसकी हत्या का शव जंगल में फेंक दिया गया था। वहीं इस मामले में थाना लोनी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हत्या का खुलासा किया गया है। मामले के मुताबिक किराया ना देने को लेकर युवक की हत्या कर दी गई थी। लोनी पर एक धारा 302-201 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें मुकदमावादी ने बताया था कि उसके पिता की हत्या कारित करके नामजद अभियुक्तों के द्वारा और उसके शव को छुपा दिया गया। इसका सफल अनावरण करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक लोनी के नेतृत्व में टीम ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें विजेंदर, रमेश, गोपाल और रिंकी हैं। खबर यूपी के सीतापुर से, जहां घाघरा और शारदा नदी के जलस्तर में हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए अपर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई निरीक्षण किया है। वहीं बाढ़ के प्रति लोगों को सचेत किया गया है और बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया गया है।
धार्मिक यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि IRCTC ने गोरखपुर से 15 अक्टूबर को यूपी की पहली स्वदेश ट्रेन चलाई है। उसका किराया प्रतिमाह किस्तों में 536 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं स्वदेश ट्रेन 8 दिन में 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। और ऑनलाइन दोनों बुकिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो www.irctctourism.com की साइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पे ये पैकेज आपको स्वदेश दर्शन का दिखेगा, ज्योतिर्लिंग, 4 ज्योतिर्लिंग जो गोरखपुर से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसमें आप जाके बुक कर सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शन में जैसा कि मैंने बताया कि आपको वो दोनों सुविधाएं होंगी, आप एक मुश्त भी शुल्क की अदायगी कर सकते हैं या EMI के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है, आज ही से इनफैक्ट ओपन किया गया है, कल शाम से इसका ओपनिंग हुआ है और आज से काफ़ी लोगों ने आज बुक कराया है इसको। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में CM फ्लाइंग ने राशन डिपो पर छापेमारी की, जिसमें 152 क्विंटल अनाज गायब मिला, जिसके चलते CM फ्लाइंग ने चेतावनी दी कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं इस दौरान CM फ्लाइंग ने ACP से कहा कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी भी ऐसे डिपो संचालक को नहीं बख्शा जाएगा जो लोगों के हक के राशन को हड़प रहे हैं। आज गुप्त सूचना के आधार पे बल्लभगढ़ में 3 अलग अलग स्थानों पे छापे मारे गए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, उसमें से एक जगह ये है, तो यहाँ पे ये 2 राशन डिपो एक साथ हैं और इसमें तीसरा एक बोर्ड और रखा मिला है, हरिओम नाम से कोई बोर्ड है। तो इनमें तो एक में लगभग 10 क्विंटल का, एक में 6 क्विंटल का, जो क्योंकि जो फूड सप्लाई के जो अधिकारी आए हैं उनने जो अपना पोर्टल पे चेक किया है तो वो उतना इनके पास अवेलेबल होना चाहिए था जो नहीं मिला। परंतु जो दूसरा जो एक हरिओम के नाम का जो बोर्ड मिला है, उस हरिओम के बोर्ड के मुताबिक उस अगर वो डिपो ये मना कर रहे हैं हमारे पास नहीं है, पर बोर्ड यहाँ क्यों है ये करें जी, किसी रिश्तेदार रख गया कोई, पर वो वेरीफाई हो जाएगा। उसमें 176 क्विंटल गेहूँ मतलब होना चाहिए जो कहाँ है वो, क्योंकि ये फूड सप्लाई वाले बताएंगे कि कहाँ पे 176 क्विंटल गेहूँ कैसे रह सकता है। तो इसमें अभी FIR दर्ज कर रहे हैं क्योंकि इंबेजलमेंट के है वो 10-55 के फूड एंड सप्लाई वाले ही दर्ज करेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ का कारोबार करने वाले शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 20 लाख है। साथ ही सारा व्यापार हैदराबाद को लेकर मे दिल्ली, मेरठ जैसे छोटे छोटे शहरों में फैला हुआ था। बता दें कि SP City ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के नेतृत्व में तिला मोड़ पुलिस के द्वारा आज सातिर 5 स्मगलरों को पकड़ा गया है, जिनसे करीब 125 गांजा और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो ये लोग विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से लेकर के आ रहे थे। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और इनको जेल भेजा जा रहा है तथा इनसे पूछताछ में जो भी लीड मिली है उसके अनुसार हम लोग आगे भी इस पे कार्रवाई करेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार की गईं। बता दें कि महिलाएं सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उनका अश्लील वीडियो बनाकर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से लाखों की नकदी, कैमरा, लैपटॉप बरामद किए हैं। साथ ही शातिर महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। थाना विजयनगर को सूचना मिली कि सैलून वर्ल्ड नाम का एक पार्लर है जहां पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है। इसमें तत्काल पुलिस ने जीप बना के जब दबिश दी तो इसमें हम लोग को 3 महिलाएं हमने गिरफ्तार करी हैं, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट है, उस पर ये लोग रजिस्टर करके न्यूड कॉल्स करके क्लाइंट को उसको रिकॉर्ड करके क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करा करती थी एवं उनसे मोटी धनराशि जमा करती थी। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लगभग साल भर से काम कर रही है। इनकी उम्र 2 युवतियों की उम्र 19 साल है और इसमें से एक युवती की उम्र 26 वर्ष है। बाकी इसमें 2 लोग को अभी पकड़ना बाकी है, जिसमें कि एक पुरुष भी है जो कि इस गैंग को चला रहे थे।
खबर अयोध्या से, जहां तहसील समाधान दिवस पर शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मेरे पिता को सरकार द्वारा पट्टा मिले 25 साल हो गए, साथ ही लेखपाल कानूनगो ने कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद अभी तक पट्टा मेरे नाम नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत एसडीएम से करने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की है। हमारे पिता के जी का नाम तो आज से 25 साल पहले पट्टा मिला था, जिससे हम जो है संक्रमणीय असंक्रमित के लिए हम तहसील गए थे, जो तहसीलदार साहब और कानूनगो साहब ने दस्तखत कर दिया है, एसडीएम साहब दस्तखत कर नहीं कर रहे हैं। आज 3 महीने हो गया मुझे तहसील का चक्कर काटते हुए। ध्यान बस, मेरा घर है संतराम, हमारे पिताजी के नाम से पट्टा था, संतराम सनातराम मिलन। खबर देवरिया से, जहां अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, वहीं आरोपियों के पास से अंग्रेजी शराब की कुल 190 शीशी बरामद की गई हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्वीटवाट कार को थाना गेट के पास अवैध शराब के साथ पकड़ा था, साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने आगे की जाँच में जुट गई है। खबर अमेठी से, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के नेताओं ने बेरोजगारी दिवस पर मार्च निकाला, वहीं इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, प्रभारी व प्रवक्ता भी शामिल रहे। उन्होंने भाजपा सरकार का विरोध करते हुए कहा कि यह लोग युवा विरोधी हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए पर प्रशासन सोया हुआ है। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। खबर अलीगढ़ से, जहां एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पीड़ित ने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब से उसके चाचा उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अपने पति से की। वहीं पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई के निर्देश जारी कराए हैं। जो मेरे दो सौतेले चाचा थे, सत्येंद्र शर्मा यतेंद्र शर्मा, इन दोनों ने मेरे साथ, बड़े यतेंद्र शर्मा ने, मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, मुझे गलत टच किया। फिर धीरे धीरे, मतलब मैंने अपनी माँ को बताया पर उन्होंने मुझे चुप कर दिया। इसने अचानक से आके मुझे बताया कि मेरे जो घर पे है वो माहौल अच्छा नहीं है। मैं इसको बोलता था, जैसे कभी इसके घर से फ़ोन आता था कि आ जाओ, मतलब जाओ यार, घूम के आओ, पास में है, सैटरडे संडे चले जाया करो, तो ये मना करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से मना करती है। फिर एक बार इसने अचानक से बताया मुझे, मैं बोला क्या हो गया, घर परेशान थी, घर से आई थी, तो इसने बोला मुझे कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्यों, ऐसे क्यों होता है, तुम्हारे चाचा हैं? बोले नहीं। फिर इसने पूरी घटना बताई कि बचपन से इन लोगों ने किस तरह से इसका शोषण किया। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें महिला द्वारा अपने सौतेले चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विधिक कार्रवाई। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस व साइबर सेल की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यह गिरोह यूपी बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी लोगों का अपना शिकार बनाते थे, साथ ही आरोपियों के पास से लाखों रुपए की नकदी, कंप्यूटर, पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। बता दें कि घटना का खुलासा करने वाली टीम को नकद इनाम में 25,000 रुपये की राशि भी दी गई। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली और साइबर सेल ने हमारे एक सराहनीय कार्य करते हुए विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है और इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 3.5 लाख रुपए की बरामदगी की है, जो इन्होंने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ले रखे थे। उसके अलावा इनके पास से कई कंप्यूटर, 27 पासपोर्ट, कई फ्रॉड वर्किंग जो परमिट वीज़ा होता है वो बरामद किया गया है। ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों से धोखाधड़ी करते थे, उनको ट्रेवल वीज़ा के आधार पर वो विदेश भेजते थे और उनसे पैसा जो वर्किंग वीज़ा के नाम पे लिया जाता था। कई मामलों में इन्होंने फर्जी टिकट इसका बनवा के भेजा है, जिससे लोग दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, वहां इनका टिकट गलत पाया जाता था। खबर सीतापुर से, जहां आगामी त्यौहार के चलते पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, वहीं नवरात्रि, रामलीला, 12 वफात को लेकर क्षेत्राधिकारियों ने बैठक कर रणनीति बनाई। बता दें कि 26 सितंबर से चालू नवरात्रि रामलीला का हवन पूजन का शुभारंभ किया जाएगा, साथ ही इस मौके पर कोतवाली प्रभारी, पीस पार्टी के अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे।
देखिए आज थाना सिदौली परिसर में पुलिस के साथ वह जितने भी यहाँ पर क्षेत्र के संबंध व्यक्ति हैं उन सबके साथ मीटिंग की गई, जो पीस कमेटी की मीटिंग थी। इसमें आगामी जो त्यौहार है अपना जो चेल्लू मारा है, बारह वफात, दुर्गा पूजा, दशहरा, सभी त्यौहारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जो दिशा निर्देश है बताए गए उन लोग को, वह जो भी आयोजक थे उनको बताया गया कि नियम और कानून का पालन करते हुए नियमानुसार त्यौहारों का आयोजन करें। खबर संभल से, जहां नखासा क्षेत्र में नाबालिग से उसके रिश्तेदारों ने दुष्कर्म किया, वहीं पीड़िता की मां ने जानकारी पर पंचायत कर लड़की की गर्भपात करा। आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही एक आरोपी को मौके से फरार चल रहा है। खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर नगर आयुक्त ने निर्देशित में शहीद उद्यान में सदर चौराहा, बहादुरगंज, मशीनरी मार्केट होते हुए सुभाष टावर, घंटाघर तक स्वच्छता का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया स्वच्छता लीग के रूप में स्वच्छता रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नगर आयुक्त ने नगर वासियों से कचरे को डस्टबिन में डालने की अपील की, साथ ही स्वच्छता अभियान में नगर निगम कर्मचारी, बच्चों व संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। जिसमें ये सिटीजन्स की तरफ से इनिशिएटिव है, शाहजहांपुर अपराइजर्स ये हमारी टीम है और ये टीम जो है इसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है। सभी लोग हम लोग मिलकर शाहजहांपुर से गंदगी को दूर करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन है उसको हम इफेक्टिवली उसको लागू करेंगे, जो फोर्स सेग्रीगेशन कूड़े का है, गीला और सूखे कूड़े को अलग करना है, उस पर हम कार्य करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।